अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ आयशा, आई एम फ्रॉम कराची। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर को ना 2 साल पहले हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ था। कोई साइन एंड सिम्टम नहीं थे, जस्ट प्रोटोकॉल में उन्होंने लैब्स करवाई थी किसी ऑफिस के रिलेटेड और उसमें पॉजिटिव आ गया था। लेकिन उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया 3 मंथ्स का और 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम हर 6 मंथ्स बाद रिपीट करा रहे हैं PCR एंड अलहमदिल्ला वो नॉर्मल ही आ रहा है। इसके अलावा हम हर 6 मंथ्स बाद अबू का अल्फ़ा फीटो प्रोटीन करवा रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम 2.7 है। LFTs वगैरह करवा रहे हैं, LFTs में एल्बुमिन 4.9, PTINR 11.1 और बिलीरूबिन 0.46, SGPT SGOT दोनों 22-22 आ रहे हैं। तो बाकी सारी फाइंडिंग्स अबू की बिल्कुल ठीक आ रही है। मसला प्लेटलेट्स में आ रहा था। अबू के प्लेटलेट्स 120 से 150 के बीच में रह रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो रहे। तो डॉक्टर ने कहा कि अबू को लिवर सिरोसिस, और इसके लिए जो है उन्होंने अबू का एक फाइब्रो स्कैन करवाया, जिसमें उनके अबू की वैल्यू आई 30 KPa। इसके अलावा उनके अबू की डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी की गई, जिसमें उनके वायरसेज है उसकी बैंडिंग कर दी गई है। डॉक्टर ने कहा कि एक अच्छी चीज़ हो गई कि अब फर्दर इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होंगे, और अब वो कारविडा यूज़ कर रहे हैं। सर मेरा जो आपसे सवाल है वो यही है, 3 सवाल हैं सर। सबसे पहले तो प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि अबू का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और मेडिसिन और फॉलोअप किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये कि वाकई ये जो एंडोस्कोपी अबू की बैंडिंग हो गई है, ये एक अच्छी चीज़ है कि इंशाल्लाह ताला ये फ्यूचर में अल्लाह नहीं करे डिकम्पनसेशन को प्रिवेंट करेगी और ब्लीडिंग होने से रोकेगी। और तीसरा ये कि सर देखें, आप 2 साल हो चुके हैं हेपेटाइटिस सी ट्रीट हुए, अब माशाल्लाह अबू बिल्कुल हेल्दी हैं, अबू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैब्स इतनी अच्छी आ रही हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है। तो आप अबू को किस तरीके से देखते हैं, अबू के फ्यूचर प्रोग्नोसिस क्या है? क्योंकि अबू का लिवर साइज़ नॉर्मल आता है अल्ट्रासाउंड में, सिर्फ कोर सिकोजेनेसिटी आती है और स्पिनो में गैली आती है 16.5। बाकी अबू के अल्ट्रासाउंड में पोर्टल वेन वगैरह सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सर प्रोग्नोसिस मुझे ज़रूर बताएं, और ये भी बता दें प्लीज़ कि ये जो फाइब्रो स्कैन का स्कोर है इसके बारे में कमेंट करें कि क्या बहुत ज़्यादा है या इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे यही जानना है कि जिस तरीके से आपने अपनी वीडियो में बताया था कि बहुत सारे सिरोसिस के पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, उनकी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, तो क्या मेरे अबूस क्राइटेरिया में अभी फॉल करते हैं, अल्लाह नहीं करे डिकम्पनसेशन के चांस ज़्यादा तो नहीं है? थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने वालिद की जो है वो समरी हमें दी है। तो इस समरी का बॉटम लाइन ये है कि आपके वालिद को लिवर सिरोसिस जो है, जिसकी एविडेंस ये है कि अल्ट्रासाउंड पे जिस तरह आपने बताया कि उनका लिवर कोर सेकोजेनेसिटी होती है, सेकेंडली उनका जो आपने फाइबर स्कैन करवाया उनके लिवर के अंदर स्टिफनेस जो है, जो उनका प्रेशर है 30, वो ये जाहिर करता है। तीसरी चीज़ जो है उनकी जो एंडोस्कोपी पे वायरसेस हुए जिनकी बैंडिंग हुई, वो भी यही चीज़ जाहिर करती है। और चौथी चीज़ जो है उनके प्लेटलेट्स जो थोड़े से लोअर साइड पे हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि उनको लिवर सिरोसिस है। अब सिरोसिस के साथ बिल्कुल लोग बहुत से अपने नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, और जिस तरह आपके वालिद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन इनको मेडिकल सर्वेलेंस की बहरहाल ज़रूरत है, और वो भी आप बड़े अच्छे तरीके से उनका फॉलोअप जो है वो करते जा रहे हैं। उसमें एक चीज़ जो आपने बताई उनमें से मेरे ख्याल में मिसिंग है, वो है अल्ट्रासाउंड, कि हर 6 मंथ्स के साथ बाद जब यहाँ पर आप अल्फ़ा फीटो प्रोटीन करते हैं, एक लिवर का अल्ट्रासाउंड भी कर लिया करें। ये दो चीज़ें आइंदा कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए की जाती हैं कि अगर खुदा ना हास्ता किसी स्टेज पे उनको कैंसर हो तो अर्ली स्टेज पे पिक किया जाए, ये मकसद है। और ये दोनों 6 मंथली होनी चाहिए और रहनी चाहिए आइंदा के लिए भी। जहाँ तक एंडोस्कोपी का आपका सवाल था, बिल्कुल एंडोस्कोपी जो है आइंदा ब्लीडिंग से रोकती है, और अगर ब्लीडिंग ना हो तो साल में एक दफ़ा एंडोस्कोपी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि अगर दोबारा खून की नालियाँ वायरसेस की शक्ल में बन जाएँ तो उनको दोबारा जो है बैंड किया जा सके, ताकि ये ब्लीडिंग जो है आइंदा हो ही ना। तीसरी चीज़ जो है आइंदा उनमें जो डीकम्पनसेशन की बात आप कर रहे हैं, वो रिस्क तो है, क्योंकि लिवर अब एक सिरोटिक लिवर है, इसको आप वापस नॉर्मल तो कर नहीं सकते। तो ये रिस्क लिवर डीकम्पनसेशन का और लिवर कैंसर का हमेशा रहेगा। अभी इस वक्त ये दोनों चीज़ें उनमें नहीं हैं। आपने 6 मंथ्स ली उनकी यही मेडिकल सर्वेलेंस जो आप कर रहे हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड भी लिवर का ऐड कर लें तो और ये करते चले जाएं। अगर उनकी अदरवाइज़ लाइफ नॉर्मल है तो आई थिंक कोई परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ही शुड जस्ट गेट ऑन विद द नॉर्मल लाइफ। जहाँ तक प्लेटलेट्स की बात है, तो प्लेटलेट्स बेसिकली इसीलिए थोड़े कम साइड पे हैं कि उनका लिवर स्टिफ है, यानी लिवर सिरोसिस है उनको, तो इसमें अगेन परेशान होने की बात नहीं है। जो सिरोटिक पेशेंट्स हैं उनके प्लेटलेट्स होते ही लोअर साइड में हैं, और ये 120 से 150 के दरमियान तो काफ़ी अच्छे प्लेटलेट्स हैं,
तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। जो आइंदा नियर फ्यूचर है उसमें तो आई डोंट सी कि इनको कोई प्रॉब्लम होगा, और बाकी आप 6 मंथ्स लिए ये चीज़ें देखते रहेंगे। अगर आपके वालिद खुद ठीक रहते हैं, टेस्ट भी मोर और लेस जिस तरह आपने बताए नॉर्मल है, तो नथिंग टू वरी। सो आई थिंक आपकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रही है, आप उन पर नज़र भी अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, तो कीप डूइंग दैट। बाकी PCR जो सेपेटाइटिस का आप एवरी 6 मंथ्सली कर रहे हैं, उसकी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। उसको अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो वंस अ ईयर करवा लिया करें, नथिंग मोर देन दैट। तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।